नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जीके एकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये हमारा बायोग्राफीज का सेक्शन है, जिसके अंतर्गत हर हफ्ते मैं आपके सामने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का जीवन प्रसंग लेकर प्रस्तुत होता हूँ। देखिए, आज जिस व्यक्तित्व की हम बात करने वाले हैं, इस व्यक्ति का अपने जीवन काल में कथन था। वो कथन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कर्तव्य की निष्ठा संकट को झेलने में, दुख उठाने में और जीवन भर संघर्ष करने में ही समाविष्ट है। यश अपयश तो मात्र योग अयोग की बातें। ये कथन है विनायक दामोदर सावरकर का, और कुछ हद तक बात करूं तो ये है चार लाइनों में इनकी पूरी जीवनी है। इनका पूरा जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष करते हुए बीता। सावरकर के तरीके, सावरकर की लेखनी तब भी विवादित थी, आज भी विवादित है। विचारधारा गांधी की हो या सावरकर की हो, आज भी लोगों के अपने अपने मत हैं, अपने अपने व्यक्तित्व, अपने अपने विचार और अपनी अपनी इच्छाओं के आधार पर गांधी और सावरकर रोल मॉडल के रूप में चुने जाते हैं। हम बात करेंगे आज विनायक दामोदर सावरकर के जीवन की। किस प्रकार महाराष्ट्र का एक आम लड़का राष्ट्रवाद का प्रतीक चिन्ह बन जाता है, आइए शुरू करें। देखिए, सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में होता है। माता राधाबाई सावरकर और पिता दामोदर पंत सावरकर थे। इनके दो भाई और थे, जिनमें से गणेश सावरकर और दूसरे थे नारायण सावरकर। ये भी अंत तक सावरकर के साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े रहे। मात्र 9 साल की उम्र में इन्होंने अपनी माता को खो दिया और कुछ वर्ष बाद इनके पिताजी का भी प्लेग की महामारी में स्वर्गवास हो गया। इनके बड़े भाई साहब ने परिवार का पालन पोषण का भार संभाला। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नासिक के शिवाजी स्कूल से हुई। बचपन से ही ये बाल गंगाधर तिलक से बड़े प्रभावित थे। 1892 और 93 में बाल गंगाधर तिलक ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना उनमें भरने के लिए शिवाजी महोत्सव तथा गणेश महोत्सव के आयोजन शुरू किए थे। बाल गंगाधर तिलक बचपन से ही विनायक दामोदर सावरकर बचपन से ही बाल गंगाधर तिलक को अपना आदर्श मानते रहे और इन आयोजनों में जाया करते थे। 1901 में इनका विवाह यमुनाबाई से हुआ। इनके दो पुत्र और एक पुत्री हुई। 1902 में ये पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में गए। हालांकि क्योंकि इनके पिताजी भी नहीं थे, बड़े भाई खर्चा उठा रहे थे, जिनकी भी फैमिली शुरू हो गई थी, तो सावरकर की पढ़ाई का खर्चा इनके ससुर ने उठाया। 1909 में सावरकर लंदन गए वकालत की पढ़ाई करने के लिए। तो अंततः सावरकर ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जाकर वकालत की डिग्री हासिल की। देखिए, सावरकर ने क्रांतिकारी गतिविधियां बालपन में ही शुरू कर दी थी। जब वे मात्र 11 वर्ष के थे, तब उन्होंने वानर सेना नाम का एक समूह बनाया था। 1897 में जब महाराष्ट्र में प्लेग फैला और अंग्रेजी सरकार ने जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, जनता लगातार रोग से मरती रही, इस बात से क्षुब्ध होकर दामोदर चाफेकर नाम के एक क्रांतिकारी ने ब्रिटिश ऑफिसर डब्ल्यू सी रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए, जब से भारत का स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है, कांग्रेस युग के बाद, 1885 के बाद, ये क्रांतिकारियों की घटना का पहला प्रसंग है चाफेकर बंधु हत्याकांड।
जिसमें उन्होंने डब्ल्यू सी रैंड की गोली मारकर हत्या करी। देखिए यही वो इंसिडेंट था जब लोगों ने, युवा लड़कों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हथियारों का जवाब, हिंसा का जवाब हिंसा से देने का निर्णय लिया। सावरकर पर इस घटना का बहुत प्रभाव पड़ा था। इस घटना के बाद सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां और तेज करने के लिए अपनी युवा अवस्था में मित्र मेला नामक संगठन बनाया और गांव में लगने वाली शाखाओं में, अखाड़ों में ये भी जाते और वहां लड़कों को इकट्ठा करके इस मित्र मेला से जोड़ने की ये कोशिशें करते रहे, जो कि बहुत सक्सेसफुल भी रही। जब ये फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ते थे तो इन्होंने अपना ये स्वतंत्रता सेनानी जोड़ने का काम बढ़ाया और एक नए संगठन का गठन किया जिसे अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है। इस दौरान सावरकर ने कानून, इतिहास, दर्शन शास्त्र कई सारे विषयों की पढ़ाई करी। व्यायामशालाओं में भी जाते रहे। इस दौरान वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से भी मिले, जो कि इनके आदर्श थे, जिनके विचारों का सावरकर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके रहूँगा, स्वराज की बात करने वाले ये आधुनिक भारत के पहले विचारक थे। 1905 के बंगाल विभाजन में जब बंगाल से अंग्रेजों के विरोध का स्वर उठा तो वो महाराष्ट्र भी पहुंचा। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में सावरकर को जिम्मेदारी दी गई और सावरकर ने महाराष्ट्र के अंदर स्वदेशी को अपनाना, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाना ऐसे कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। महात्मा गांधी ने भी इसी प्रकार के बहिष्कार आंदोलन 1920 में अपने असहयोग आंदोलन में प्रयोग किए थे। इस वजह से जब बंगाल विभाजन के विरोध से जुड़े हुए प्रदर्शनों में सावरकर के शामिल होने की खबरें आई, इस वजह से फर्ग्यूसन कॉलेज का प्रशासन नाराज हो गया और उन्होंने सावरकर को कॉलेज से डिसमिस कर दिया। पर सावरकर ने अभिनव भारत संगठन खड़ा किया था और तिलक भी उनके साथ थे, तो ऐसी स्थिति में जब अत्यधिक दबाव पड़ा तो सावरकर को परीक्षा देने दी गई और वे अच्छे नंबरों से पास भी हुए। अब बात करें कि सावरकर ने किस प्रकार से अपने जीवन को राजनीति और क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ मोड़ा। देखिए जब सावरकर ग्रेजुएशन करने के बाद लंदन गए तब वहाँ पर कई सारे राष्ट्रवादी नेता पहले से ही जुटे हुए थे, जैसे कि लाला हरदयाल, मदनलाल ढींगरा आदि, करतार सिंह सराभा भी इसमें आप नाम लें। तो वहाँ पर ये लाला हरदयाल ने इंडिया हाउस की जो स्थापना की थी वहीं पर ये लोग रहने लगे और वहाँ पर इंडिया हाउस जो है वो राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों का मिलन स्थान था, जहाँ पर वे तर्क वितर्क किया करते थे और भारत को अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए रणनीतियों पर काम करते थे। वहीं पर इन्होंने आज़ाद भारत सोसाइटी का गठन किया और अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिए हथियारों के इस्तेमाल की वकालत की और इंग्लैंड में, क्योंकि हथियार खरीदना वहाँ आसान था, भारत में हथियार खरीदना गैरकानूनी था, हथियार रखना गैरकानूनी था, इस वजह से उन्होंने वहाँ पर हथियारों से लैस एक दल तैयार किया। सावरकर द्वारा लिखे गए लेख उस समय की बड़ी फेमस पत्रिकाएं थी, सोशियोलॉजिस्ट और तलवार, इसमें प्रमुखता से प्रकाशित होते थे। सावरकर को वहाँ रहने वाले भारतीय जिनमें देश प्रेम की भावना थी वो जानने लग गए थे। इसी दौरान सावरकर ने 1857 की क्रांति पर अपनी एक किताब लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। सावरकर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के इस संग्राम को एक भारत की आज़ादी के लिए युद्ध कहा था। उनकी ये किताब तैयार हो गई थी परंतु ब्रिटिश सावरकर के लेखों से इतना परेशान थे
इतना डरते थे कि उन्होंने सावरकर की इस किताब को पब्लिश नहीं होने दिया, छापने ही नहीं दिया। आप सोचिए कि एक किताब जो अभी तक छपकर बाजार में भी नहीं आई है, ब्रिटिशर्स ने उन्हें बैन कर दिया। हालांकि सावरकर की इस रचना को मैडम भीकाजी कामा, जो कि उस समय हॉलैंड में थी, वहाँ पर इन्होंने इसे प्रकाशित करवाया। इसकी प्रतियों को फ्रांस और फिर भारत तक भी पहुँचाया गया। मैडम भीकाजी कामा के बारे में थोड़ा बता दूँ, ये भी एक बड़ी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी रही हैं, और यही वो महिला हैं जिन्होंने सबसे पहले भारत के झंडे के रूप में तिरंगे झंडे को बताया था। भारत का झंडा कैसा हो, इसके बारे में सबसे पहले इन्होंने ही उस झंडे का खाका तैयार किया था। सावरकर ने जब लंदन में थे तब वहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कामटे और मैजिनी को पढ़ा, जो कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवादियों के अग्रिम नेता कहे जाते हैं। सावरकर जब लंदन में थे तब दो बड़े ब्रिटिश अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और इनका आरोप, षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप सीधा सीधा सावरकर पर लगा। सावरकर के मित्र थे मदन लाल ढींगरा, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में, कॉलेज ऑफ लंदन में पढ़ रहे थे। उन्होंने विलियम हर्ट कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये लॉर्ड कर्जन वॉयसराय वाला वाइली नहीं है, ये भी एक बड़ा ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था जिसने भारत में कई वर्षों तक इसने भारत में सेवाएं दी थी। विलियम हर्ट कर्जन वाइली की हत्या का मुकदमा चलाया गया, सावरकर का भी उसमें नाम आया, परंतु बिना किसी एविडेंस के सावरकर को पकड़ा नहीं गया और मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। इसका सावरकर के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सावरकर ने इसका विरोध भी किया। हालांकि भारत में कुछ राजनीतिक दल थे जिन्होंने मदन लाल ढींगरा के इस कृत्य को गलत ठहराया और उनके तरीकों को गैर कानूनी और अनैतिक भी कहा, जिसका सावरकर ने बड़ा विरोध किया। इस घटना के बाद सावरकर ब्रिटिश पुलिस की नज़रों में चढ़ गए थे। इस वजह से सावरकर अपनी गतिविधियों को गुप्त तरीके से चलाने के लिए फ्रांस चले गए, जहां पहले से ही इंडिया हाउस के अन्य सदस्य लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा ठहरे हुए थे। जब सावरकर पेरिस में थे तभी अभिनव भारत से जुड़े हुए एक और सदस्य अनंत कान्हरे ने जैक्सन नामक एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या कर दी, और इस बार भी सावरकर और उनके संगठन का नाम आया। तब तो ब्रिटिश सरकार हाथ धोकर सावरकर के पीछे पड़ गई, और अंततः 13 मई 1910 को जैसे ही वो ब्रिटेन पहुंचे, खुफिया तरीके से इसकी सूचना ब्रिटिश पुलिस को मिली और सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। सावरकर को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाने के लिए जो है भारत लाया जा रहा था। सावरकर को पेरिस से लंदन लाए, वहाँ से उन्हें गिरफ्तार किया गया और दोबारा उन्हें फ्रांस के रास्ते से भारत ले जाने का प्लान था, जो सावरकर को पता चला। तो जब ये जहाज फ्रांस के मार्सल शहर पहुँचा तो वहाँ पर उन्होंने जहाज के बाथरूम से, टॉयलेट से फरार होने का प्लान बनाया, जिसमें वो कामयाब भी हुए। जो टॉयलेट होल था उससे सावरकर निकल के भाग छूटे और तैर के किनारे पर पहुंच गए। हालांकि फ्रांसीसियों ने, फ्रेंच पुलिस ने उन्हें फिर से पकड़ लिया और सावरकर को ब्रिटिश सेना और पुलिस के हवाले कर दिया। सावरकर के ऊपर पहले से ही षड्यंत्र के आरोप थे और अब वो पुलिस कस्टडी से भागने के भी आरोपी हो चुके थे। इस वजह से सावरकर को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए ब्रिटिश सत्ता के लिए खतरा मानते हुए 2-2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोस्तों, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ जब एक ही व्यक्ति को 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी गई। यानी कि एक आजीवन कारावास में होता था कि 50 साल तक इस व्यक्ति को जेल में रखेंगे, यहाँ पर था कि आपको 100 वर्ष तक जेल में रहना होगा। इसका मतलब है
जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आप जेल से बाहर नहीं आएंगे। और इस जेल की सजा काटने के लिए भी सबसे भयानक जेल को चुना गया, वो थी अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल, जो कि काला पानी के नाम से भी कुख्यात थी, क्योंकि वहाँ के कैदियों के साथ ब्रिटिश पुलिस बड़ा ही बुरा व्यवहार करती थी। उनसे टांगों को खिंचवाया जाता था, चक्की पिसवाई जाती थी, नंगे पांव उन्हें पर्वतों पर दौड़ाया जाता था। यहाँ सावरकर को भेजा गया। यहाँ जेल में सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर पहले से ही मौजूद थे। इस जेल में सावरकर को कड़ी यातनाएं दी गई, भरपेट खाना नहीं दिया जाना, नारियल छीलकर उसका तेल निकालना, कोलू के बैल की तरह मजदूरी करवाना आदि आदि कई सारे, जिसको आप कह दीजिए, जुल्म यहाँ कैदियों पर ढाए जाते थे। इससे सावरकर का वहाँ स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ने लगा। सावरकर को 4 जुलाई 1911 से लेकर 31 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रखा गया। लगभग 10 साल ये वहाँ पर काले पानी की सजा काटते रहे। वहाँ पर इन्होंने कील और कोयले से पूरी दीवारों पर कविताएं लिख दी थी। हालांकि सावरकर जब जेल से छूटे तब उन्होंने इन्हें वापस अपनी किताबों में उतारा। 1920 के अंदर जब असहयोग आंदोलन अपने चलाया गया तो कई सारे कांग्रेसी नेता, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे, उन्होंने सावरकर की जेल से रिहाई के लिए अखबारों में भी लिखा और जेल से रिहाई करने के लिए ब्रिटिश सरकार से मांग भी करी। रत्नागिरी जेल, वहाँ से क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रही थी इस वजह से उन्हें सेलुलर जेल से पुणे की यरवडा जेल और फिर वेस्टर्न महाराष्ट्र की रत्नागिरी जेल में भेज दिया गया। रत्नागिरी जेल में रहते हुए सावरकर ने हिंदुत्व पर अपने विचार लिखे। आज की तारीख में हिंदुत्व को एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहा जाता है। कुछ लोग इसे सावरकर के विचार मानकर खारिज कर देते हैं, कुछ लोग इसे अति कट्टर राष्ट्रवाद कहते हैं, कुछ लोग इसे अति कट्टर हिंदूवाद कहते हैं। जो भी है, ये हिंदुत्व नाम का शब्द जो है ये सावरकर की इसी किताब से प्रचलन में आया। इसके उनके समर्थकों ने इस हिंदुत्व को प्रकाशित भी किया। 6 जनवरी 1924 को सावरकर को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वो रत्नागिरी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। सावरकर ने बकायदा ब्रिटिश सरकार को माफ़ीनामा भी लिख के दिया और ब्रिटिश सरकार की जो भी शर्तें थी उन्हें मान लिया। इसके बाद सावरकर जेल से रिहा हुए, क्योंकि सावरकर किसी प्रकार की पॉलिटिकल राजनीतिक गतिविधियां जैसे कि कांग्रेस वगैरह में शामिल नहीं हो सकते थे। पर सावरकर ने फिर भी हिंदू सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य था कि भारत की प्राचीन सभ्यता को बचाना, राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। हिंदी भाषा में को देश भर में आम भाषा के रूप में अपनाना, हिंदू धर्म में व्याप्त जाति भेद और छुआछूत को ख़त्म करने के लिए इन्होंने बड़ा संघर्ष किया। सावरकर छुआछूत में विश्वास नहीं रखते थे। इनके इन जो सामाजिक कार्य थे उनमें वे पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित हिंदू महासभा के भी सदस्य बने। 1937 में सावरकर को हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया और 1943 तक वो इस पद पर बने रहे। ये हिंदू महासभा जो थी ये पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित की गई थी। सावरकर ने जो स्थापित किया था वो हिंदू सभा थी। सावरकर जब हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे तब इन्होंने हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत की विचारधारा को भी बढ़ावा दिया। इसका कारण भी है, 1940 में मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग उठा दी थी, इस वजह से सावरकर ने भी अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को बढ़ावा दिया। देखिए, सावरकर क्योंकि राजनीति में सीधा आ नहीं सकते थे, इस वजह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका सीधा सीधा जो रोल है वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियली है। हालांकि सावरकर की फिर से चर्चा होती है जब महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने कर दी थी। गोडसे के बारे में कहा जाता है कि
गोडसे का हिंदू महासभा तथा राष्ट्रीय स्वयं संघ के सदस्यों से परिचित था और इन संगठनों की गतिविधियों में उसने कई बार भाग भी लिया। हालांकि गोडसे इनका तत्कालीन सदस्य था या नहीं था, ये बात हमेशा विवादों में रही है। साथ ही साथ कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि गांधी जी की हत्या से पहले गोडसे सावरकर से मिलने के लिए मुंबई भी गए। इन्हीं आधारों पर सावरकर पर भी गांधी जी की हत्या का मुकदमा चलाया गया, परंतु क्योंकि सावरकर के ऊपर लगे हुए आरोपों को कोई साबित नहीं कर पाया, इस वजह से उन्हें रिहा करना पड़ा। साथ ही साथ आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी गांधी जी की हत्या में संलिप्तता की अंदेशे जाहिर किए गए थे, उसके बारे में भी कोई पुष्टि नहीं हुई। शुरुआत में आरएसएस पर बैन लगा, पर वो बाद में हटा लिया गया। ये एक ग्रुप फोटो है जो विकिपीडिया पर अवेलेबल है, जिसमें गांधी जी जो हैं वो नारायण आप्टे, गोडसे और विष्णु करकरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये सभी जो तीनों लोग हैं ये गांधी जी की हत्या में शामिल थे। सावरकर की मृत्यु 82 वर्ष की आयु में 1 फरवरी 1966 को हुई। इन्होंने संथारा ले लिया था, जैसे जैन धर्म में अन्न जल को त्याग दिया जाता है, वैसे ही सावरकर ने त्याग दिया था अन्न जल, और 26 फरवरी को इनकी मृत्यु हुई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वीर सावरकर का जीवन विवादों से घिरा हुआ रहा, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्होंने हिंदुओं को संगठित करने और हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने का पूरा प्रयास किया, और इनकी जो विचारधारा थी, उनके जो तरीके थे, उनका भी इन्होंने प्रयोग भारत को आज़ादी दिलाने के लिए किया। हाँ, इनके विचार हिंसात्मक थे, इनके विचार अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति करने के लिए थे, जो गांधी जी के विचारों से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे, बट फिर भी गांधी जी ने अपने कई सारे पुस्तकों में, अपने कई सारे लेखों में सावरकर की प्रशंसा की है, सावरकर को उच्च आदर्शों वाला व्यक्ति बताया है। आप चाहें तो इन बातों को आराम से गूगल कर सकते हैं, गांधी साहित्य में पढ़ सकते हैं। गांधी जी बकायदा सावरकर जब लंदन में थे तब गांधी जी भी उनसे मिले थे, ये सब बातें हैं। तो आजकल सावरकर का नाम राजनीति से जोड़ा जाता है, वो एक अलग विषय है। आज़ादी के बाद आप देखिए, सावरकर को पुणे विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि दी। 1970 में इंदिरा गांधी ने सावरकर के सम्मान में डाक टिकट जारी किए और उनके योगदान की प्रशंसा भी की। 2002 में पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। सावरकर की जीवनी पर कई फिल्में भी बनी हैं, जैसे 1958 में फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली फिल्म काला पानी प्रदर्शित हुई थी। इसमें नायक की भूमिका देवानंद और नायिका की भूमिका मधुबाला ने निभाई थी। वर्ष 1996 में भी प्रसिद्ध मलयालम लेख निर्देशक प्रियदर्शन के नेतृत्व में निर्देशन में एक और मूवी बनाई गई। 2001 में वीर सावरकर पर एक और बायोपिक बनाई गई, बट जो विवादों में रही और बहुत समय बाद रिलीज हुई। तो दोस्तों, ये थी सावरकर की जीवनी। मैं मानता हूँ सावरकर बहुत विवादित विषय है, बट फिर भी किसी व्यक्ति को बिना जाने हम उनका ओपिनियन नहीं रखना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ और सिर्फ सावरकर का जीवन परिचय देना है, बाकी आप सभी अपने विवेक से डिसीजन ले सकते हैं। गांधी और सावरकर दोनों ही अपने आप में वृहद विचारधाराएं हैं, जिनके बारे में बहुत कुछ सुना गया है, बहुत कुछ लिखा गया है, पर दोनों ने ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने अपने तरीकों से आहुति दी। अपने अपने तरीकों से उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए आंदोलन चलाए, इसमें कोई संशय नहीं। इसी के साथ मैं अपनी ये वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आपको सावरकर की जीवनी पसंद आई होगी। हाजिर होऊंगा फिर किसी महापुरुष की जीवनी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।